दिनेशपुर के वार्ड नंबर 7 निवासी प्रवीण नारंग की 4 साल की बच्ची परी अपने घर के आगे गली में खेल रही थी। अचानक मिट्टी से भरी ट्रैक्टर ट्रॉली गली से गुजर रही थी कि अचानक बच्ची उसकी चपेट में आ गई और गंभीर रूप से घायल हो गई। बच्ची की मां और पिता दोनों घायल अवस्था में बच्ची को लेकर रोते बिलखते हुए पहुंचे निजी चिकित्सालय पहुंचे, जहाँ हालत गंभीर देखते हुए नगर के स्वास्थ्य केंद्र में रेफर कर दिया। वहीं प्रभारी चिकित्सक डॉक्टर प्रदीप पांडे ने उपचार देने के बाद अत्यधिक स्थिति नाजुक होने के चलते रुद्रपुर रेफर कर दिया है। रुद्रपुर निजी चिकित्सालय के चिकित्सक उपचार करने के दौरान बच्ची को मृत घोषित यहां पर बताते नजर आए और बच्चे की मौत की सूचना पर परिजन रोने बिलखने लगे। बाद में मृत बच्ची को घर ले आए और सूचना पर पहुंचे दिनेशपुर पुलिस ने शव का पंचनामा कर पोस्टमार्टम की तैयारी शुरू कर दी। मृतक बच्चे के पिता प्रवीण नारंग थाने के पास चाय का स्टॉल लगाकर रोजी रोटी कमाते हैं। इधर बच्चे की मां का रो रो कर बुरा हाल है। वहीं इस घटना के बाद से क्षेत्र में कोहराम मच गया और ये पूरी घटना सीसीटीवी में कैद हो गई है। इसमें साफ तौर पर दिख रहा है कि बच्ची अपने आप को बचाने की कोशिश कर रही है, लेकिन लापरवाह ड्राइवर बिना देखे ही बच्ची को रौंदते हुए चला जा रहा है। ऐसा है, हम उस गली में काम कर रहे थे तो ये लड़की की मम्मी जो है लड़की को लेकर मोटरसाइकिल में जा रही थी रोते हुए, तो हमने कहा क्या हुआ करके, हम वहाँ से भागते हुए आए और इस रोड में देखा और थोड़ी देर पहले जब ये घटना हुआ, जब एक्सपायर कर गई लड़की, उससे पहले हम यहाँ गए थे तो डॉक्टर वाले कह रहे थे कि इनको जो है ट्रॉली में हाथ मारा जिसके कारण बच्ची गिर गई थी यहाँ और उनको सर में थोड़ा चोट लगा था। तो हम यहाँ से फिर काम की तरफ पहुँच गए थे। फिर दूसरी बार जब आया उधर को तो सुना कि भैया बच्चा एक्सपायर कर गई और जो है हमने सीसीटीवी खंगाला, इधर सामने ही सीसीटीवी लगा पड़ा है और तो देखा ये बच्ची नल में पानी पी रही थी और ट्रक के सामने चले आई थी बच्ची एकदम, और ट्रक वाला जो है उन्होंने मोबाइल में बात करते हुए जो है गाड़ी पे चढ़ गया और ऐसे स्टार्ट करके जाने लगा, तो बच्ची भागते हुए थोड़ी देर आगे गई, फिर ट्रक तो थोड़ा तेज आया, बच्ची भाग नहीं पाया और बच्ची चपेट में आ गया, चारों पहिया ऊपर से गया, पूरा सीसीटीवी में है। सर इसमें जो मौत हुई है पूरा गलती ट्रैक्टर वाले का है। ट्रैक्टर वाले को पता है कि छोटे छोटे बच्चे हर घर में हैं। ट्रैक्टर वाले जैसे मिट्टी या जो भी सामान यहाँ उतारते हैं, उतारने के बाद ट्रैक्टर ट्राली इतना जोर से भगा के ले जाते हैं, ट्रैक्टर वाले देखते नहीं कि छोटा बच्चा रास्ते में खेल रहे हैं कि नहीं। पूरा गलती ट्रैक्टर वाले का ही, मैं कहूँगा कि ट्रैक्टर वाले का पूरा गलती है। हम अभी सीसीटीवी देख के उसके बाद ही बता रहे हैं कि ड्राइवर पानी पीने गया था, पानी पीने के बाद इतनी देर में ट्रैक्टर वाला ट्रैक्टर पे बैठेगा, इतनी देर में बच्ची आ गई सामने और बम्पर के सामने वो थी, और उसके बाद ट्रैक्टर वाला एकदम से स्पीड में था और बैठते के साथ ही उधर उसने ना इधर देखा ना उधर देखा। ड्राइवर को चाहिए कि उसके कितने भी टायर हो तो सारे टायरों को चेक करना होता है, चाहे कीड़े हो, जानवर हो या इंसान हो, देख के चलना चाहिए। लेकिन ये ट्रैक्टर वाले अधिकतर जितने भी होते हैं ये गैर जिम्मेदार होते हैं और क्या कहते हैं, ड्राइवर लाइसेंस तो होते नहीं है, 200-100 रुपए के चक्कर में ये स्पीड में भगाते हैं और क्या कहते हैं ऐसी दुर्घटना करते हैं। और इसमें सबसे पहले मैं दोष दूंगा इन पुलिस वालों की, जो हम जैसे गरीब लोगों के पास अगर मोबाइल क्या कहते हैं कागज ना हो मोटरसाइकिल का, तो उसमें ये चालान वो चालान, इधर नहीं जा सकते, हेलमेट नहीं है, मास्क नहीं है, आप प्रशासन के क्या कहते हैं आंख में पट्टी बंधी हुई है, आप ये देख नहीं सकते। इससे पहले भी हमारे यहाँ 2 नंबर खानपुर में एक लड़के की डेथ हुई और कितना बढ़िया लड़का था, उसके पास भी ड्राइवर के पास भी उसके पास डीएल नहीं था, उसके बाद भी ऐसी घटना हुई। और मैं ये कहूंगा प्रशासन को कि जितने भी ये गैर जिम्मेदार ट्रैक्टर वाले हैं और ये क्या कहते हैं ट्रैक्टर स्वामी है, उनको भी उनके ऊपर दंडित करें कि बगैर डीएल के किसी को ट्रैक्टर ना दे, नहीं तो हम चुप नहीं बैठेंगे। हमें सूचना मिली कि एक बच्ची जो 5 वर्ष की है सुंदरपुर के पास में एक्सीडेंट हो गया है। ये जब हम पुलिस फोर्स के साथ वहाँ पहुँचे तो हमें पता चला कि प्रवीण सिंह जी की एक पुत्री है 5 वर्षीय और एक ट्रैक्टर ट्रॉली के आगे आने से गंभीर चोट उसे लगी थी, जिसे मेडिसिटी और जिला अस्पताल ले जाया गया, जहाँ पर डॉक्टरों द्वारा उन्हें मृत घोषित किया गया। हमारे द्वारा पंचायतनामे की कार्रवाई की जा रही है, वो अगर उनके पिताजी द्वारा प्रार्थना पत्र दिया जाता है तो विधिक कार्रवाई की जाएगी, और जो भी विधिक कार्रवाई हमारे द्वारा होनी है वो विधिक कार्रवाई की जा रही है।